नवरात्रि की नवमी तिथि के दिन गाय को ये चीज जरूर खिला देना, करोड़पति भी एक ही दिन में करोड़पति बन जाएंगे। नमस्कार माताएं एवं बहनों, स्वागत है। आज की वीडियो बेहद ही खास और ज्ञानवर्धक होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि गौ माता को आप शारदीय नवरात्रि की नवमी तिथि के दिन यानी कि 11 अक्टूबर के दिन गौ माता को यह चीज खिला देते हो तो मन कर चलिए, आपका भाग्य बदल जाएगा। आपके भाग्य से सभी कष्ट, दुख, दर्द, समस्या हर एक ही दिन में सब कुछ समाप्त हो जाएगा। मित्रों, अगर आप गौ माता से जुड़े या खास उपाय कर लेते हो तो मानकर चले, यानी कि आप गौ माता को क्या चीज खिला देते हो तो मन कर चले, आपका भाग्य बदलना तय है, तभी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। पर माताएं एवं बहनों, आपको सच्चे हृदय से इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को दूर करने के लिए वह आसान से आसान उपाय जरूर बताते हैं। मित्रों, पर कमेंट बॉक्स में जय गौ माता अवश्य ही लिख दें और सच्चे हृदय से गौ माता के लिए इस वीडियो को लाइक अवश्य ही कर दें, जिससे कि आज इस वीडियो के देखने के बाद आपका भाग्य बदल जाएगा, यानी कि एक ही दिन में आपके भाग्य के तारे बदल जाएंगे, आपको सुख सौभाग्य की प्राप्ति होगी और आप एक सफल व्यक्ति बन जाओगे। शारदीय नवरात्रि की नवमी तिथि के दिन अगर आप यह उपाय कर लेते हो तो यकीनन आप पर मां लक्ष्मी की कृपा होगी और आप धनवान बन जाओगे। आप धनवान ना बने तो मुझे बताना दोस्तों, बस जो उपाय आपको बताया जाए वह उपाय कर लेना चाहिए। जानते हैं 11 अक्टूबर शारदीय नवरात्रि की नवमी तिथि के दिन चुपचाप गाय को मिला दे, यह एक छोटी सी चीज करोड़पति भी होंगे, करोड़पति मिलेंगे, सभी संकट और सभी परेशानियों से मुक्ति, मृत्यु दंड, पितृ दोष तुरंत होगा, खत्म, पूरे साल आपके भरे रहेंगे कि आपके साथ पुस्तक करेंगे, रूपों पैसों पर राज दोस्तों, सात पश्तों तक बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाएगा, सभी दुख दर्द संकट कष्ट है वह दूर हो जाएंगे और सभी सुख आपके कदमों में आ जाएंगे, सभी सुख आपके कदम चूमेगी और आप एक सफल व्यक्ति बन जाओगे। पर उससे पहले आप चुपचाप गाय को खिला देना, यह एक चीज तो तत्काल गरीबी भी आपके जीवन से खत्म हो जाएगी। यूं कहीं व्यक्ति रंग से राजा बन जाता है और 33 कोटि देवी देवताओं को धारण करने वाली गौ माता की भी कृपा मानव पर जीवन बरसाती है। मानव के घर में कभी भी अन्य धन वस्त्र कमी नहीं होती है, धन के भंडार मानव के घर में भरे रहते हैं, मानव के जीवन से गरीबी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कौन कौन से गाय से जुड़े खास और महत्वपूर्ण उपाय है जिन्हें यदि आप 11 अक्टूबर 2024 नवमी तिथि के दिन कर लेते हैं तो दोस्तों भरे रहे हैं, जो भी जीवन दुख दर्द संकट कष्ट है वह सभी दूर हो जाएंगे। इस वीडियो में हम आपको इस खास और महत्वपूर्ण चीज के बारे में बताएंगे, क्योंकि आपको इस नवमी के दिन गाय को जरूर खिलानी है। दोस्तों, अपने फायदे के लिए पूरा वीडियो देखना। यदि आज की इस वीडियो को अपने बीच बीच में से देखा तो यकीन मानिए जीवन में आपको कभी सफलता हासिल भी नहीं होगी, क्योंकि इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे उपाय बताएंगे हैं गौ से जुड़े बताने वाले हैं, जिन्हें जानने से आपके जीवन के जो भी दुख दर्द संकट है या कामयाबी होने में कोई समस्या आ रही वह सभी से छुटकारा मिलने वाला है। यूं कहे कि आपके जीवन में अपार सुख, समृद्धि और संपत्ति की प्राप्ति हो जाएगी, कभी भी धन से संबंधित परेशानी नहीं रहेगी, आर्थिक स्थिति आपकी प्रबल हो जाएगी, धन प्राप्ति के योग बन जाएंगे और जीवन में सदैव अन्य धन के भंडार आपके घर में भरे रहेंगे, अन्य धन वस्त्र कभी कमी नहीं होगी, आपके घर में धन की वृद्धि होगी। और दोस्तों, आज का वीडियो पूरा देखकर जाना, यदि आप चाहते हैं आपके और आपके परिवार पर सदैव गौ माता की कृपा से, आपके पितरों की कृपा से, देवी देवताओं की कृपा से, तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखकर जाना बहुत ही फायदेमंद वीडियो है। पूरे 400 सालों के बाद ऐसे दुर्लभ सहयोग में है तो पूरा वीडियो देखकर जाना। यदि आप लाभ हासिल करना चाहते हैं और सात पीढ़ियां तक कभी कोई किसी तरह की कमी ना हो, यह फल चाहते हैं, तो वीडियो को पूरा देखकर जाना बहुत ही लाभप्रद वीडियो है आपके लिए। दोस्तों, वीडियो को आगे शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जाए गौ माता जरूर लिख देना, जिससे माता की कृपा आपके और आपके परिवार के ऊपर सदैव बरसती रहे। और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर जरूर करना, ताकि और लोग भी इस वीडियो के माध्यम से लाभ हासिल कर सके, इन उपायों को करने से अपने जीवन में सदैव धन सुख संपत्ति की प्राप्ति कर सके। इस वीडियो को जिससे और लोगों का भी भला हो, आपको बता दें शारदीय नवरात्रि की नवमी तिथि के दिन स्नान करना बहुत ही फलदायी है। यदि कहीं तीर्थ स्थान पर पवित्र नदी में स्नान करना संभव न हो तो आप क्या करें, घर पर ही नहाने वाले पानी में गंगा जल की कुछ बूंदें डालकर स्नान कर लें
और साथ ही साथ यदि आप स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं, सर्वप्रथम तो अपने घर के पूजा स्थान को साफ करें, वहां पूजा पाठ करें आप। और इस दिन यानी कि नवरात्रि की नवमी तिथि के दिन, इस दिन यदि आप हनुमान जी और मंगल देवता भगवान शनि देव की पूजा करते हैं तो मंगल का ग्रह जनित दोष भी दूर हो जाता है। मानव के जीवन में धन सुख संपत्ति की प्राप्ति हो जाती है, समस्त मनोकामना की पूर्ण हो जाती है। और दोस्तों साथ ही साथ अब बात आपको इस दिन मतलब यह इस नवमी के दिन आपको यह एक उपाय तो जरूर कर लेना मित्रों, अगर आपने अभी तक गौ माता की जय ना लिखा हो तो जरूर ही लिखें, और माता लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी भी जरूर लिखें, जिससे कि माता लक्ष्मी तक आपकी बात पहुंच जाए। चाहिए गाय का उपाय बताने से पहले एक उपाय आपको यह उपाय बता दें, पीपल के पेड़ के नीचे आपको सरसों का चौमुखी दीपक आटे का दीपक बनाना है चौथी, उसमें आपको कलावे की बाती लगाकर सरसों के तेल का दीपक और बीच में दो सबूत फूल वाले लौंग भी डाल दें, फिर देखिए कैसे चमत्कार आपके जीवन में होता है। शाम के समय जलाकर उसे अपनी मनोकामना बताते हुए वहां से चुपचाप अपने घर आ जाएं। इसके बाद 21 दिनों के अंदर आपकी वह मनोकामना पूर्ण ना हो जाए तो हमें बता देना, बहुत ही प्रभावशाली उपाय बताया मैंने आपको, बहुत ही दुर्लभ से दुर्लभ है, उपाय को जरूर करें, यह उपाय जो है बहुत ही आपको लाभ देगा। और अब बात करें कि गौ माता से जुड़े कौन कौन से उपाय आपको इस दिन मतलब गौ माता से जुड़े उपाय जिन्हें करने से मानव को 7 पीढ़ियां तक बैंक बैलेंस की कमी नहीं होती, दुख दर्द संकट कष्ट दूर हो जाते हैं और सभी सुख मानव के कदमों में आ जाते हैं, तब सभी सुख और घर में आनंद धन के भंडार सदैव भरे रहते हैं, कोई कमी नहीं होती। किसी तरह कौन कौन से उपाय ध्यान से सुना, जिस तरह तरह से आपको उपाय बताए जाएं, इस तरह से आप इन उपायों को करें, तो चलिए शुरू करते हैं। कौन कौन से गौ माता से जुड़े उपाय हैं, प्रभावशाली चमत्कारिक उपाय है जो कि आपकी किस्मत को चमका देंगे, इस नवरात्रि की इस नवमी से आपको लाभ शुरू हो जाएगा। दोस्तों सनातन पारंपरिक महत्व है, मानता है गौ माता के शरीर पर 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है, गौ माता की पूजा करने वाले जातक पर देवी देवताओं की कृपा बरसती है, गौ सेवा से न सिर्फ इस जन्म के पाप बल्कि अगले जन्म के भी पापों से मुक्ति मिल जाती है। गाय से हासिल पंचगव्य का उपयोग जरूर शामिल करें, क्योंकि पंचम काव्य के बिना कोई भी पूजा पाठ और हवन सफल नहीं होता। या दोस्तों गौर कृपा पाने के लिए प्रतिदिन सप्ताह अथवा महीने में और शाला का नियम जरूर से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी, और साथ ही साथ गौर पूजा से 9 ग्रह शांत हो जाते हैं और इनसे जुड़े देशों से मुक्ति मिलती है। प्रिय मित्रों वह गर्मियों में गौ माता को पानी पिलाई और सर्दी में गौ माता को गुड़ अवश्य ही खिलाएं और अक्षत जरूर खिलाएं। ध्यान रखें कि गर्मियों में गाय को गुड़ ना खिलाएं। अनेक देवी देवताओं को अपने शरीर पर 9 ग्रह शांत हो जाते हैं और इनसे जुड़े गौ माता से जुड़े कई शुभ और अशुभ संकेत भी हैं। मित्रों आप सभी को हम बता दें कि गाय का दूध देते समय यदि गाय ठोकर मार दे और सारा दूध बिखर जाए तो अपशगुन होता है। अगर आप कहीं से निकल रहे हो तो हो और गए अपने बछड़े को दूध पिलाती सामने आ जाए तो निश्चित रूप से कि यात्रा के लिए आप निकले हैं, वह यात्रा आप जरूर ही सफल होगी और वह जिसके लिए आप निकले हैं वह जरूर ही पूर्ण होगा। यात्रा पर जाते समय बछड़ा और गाय की आवाज और रात्रि में गाय की हुंकार करना भी शुभ होता है। दोस्तों साथ ही साथ गए के साथ आप भूल कर भी दुराचार ना करें, अन्यथा मिलता है घोर पाप और जीवन भर की परेशानियां बनी रहती हैं। जी मित्र आप सभी को हम बता दें कि गौ माता को राष्ट्रीय पशु बनाए जाने और इन्हें मौलिक अधिकार दिए जाने की बात हो रही है, तो सवाल उठता है गाय संस्कृत का हिस्सा है, तभी गाय के साथ लोग खराब व्यवहार कैसे कर लेते हैं। गौ माता को दर दर भटक रहती है, भरपेट इन्हें चारों तक लोग नहीं देते गए, जब तक दूध देती रहती है तो उनकी सेवा होती है और जैसे ही दूध देना बंद कर देती है तो उनकी किस्मत पर छोड़ दे सड़कों पर और गलियों में भटकने के लिए। ऐसे में गोवंश जीवों को कोई डंडे मारता है तो कोई कोई पानी डाल देता है, कभी वाहनों की चपेट में आ जाती है तो कभी बीमार होकर बेचारी यह गौ माता दर दर भटकती है और दम तोड़ देती है। ऐसे में जरूरत है इन बातों को जानने की, लेकर शास्त्रों में क्या कहा गया है, गाय के साथ आपको कैसा व्यवहार करना चाहिए। दोस्तों गाय को कभी भी मारना पीटना नहीं चाहिए, शास्त्रों में गाय को माता का दर्जा दिया गया है, गाय को मारने वाला माता को मारने पीटने वाले के समान पाप का भागी बनता है और समझा जाता है नरक लोक में वर्षों तक कष्ट भोगना पड़ता है। जिस गाय की मृत्यु हो गई थी और इस पाप से मुक्ति के इन्हें वर्षों तक तपस्या करनी पड़ी,
भगवान श्री कृष्ण जी ने बैल स्वरूप में आए वृद्ध आश्रम का वध कर दिया था, जिससे मुक्ति के लिए भगवान श्री कृष्ण को संपूर्ण तीर्थ को एक कुंड में बुलाना पड़ा और इस कुंड में स्नान से वह पाप मुक्त हो गए थे। तो आप समझ सकते हैं मित्रों की गांव को करने पर कितना घोर पाप लग सकता है, इसलिए आप ऐसा अनर्थ कभी ना करें। दोस्तों, साथ ही साथ पानी पी रही गाय को गौ माता को भागते हैं तो पाप के भागी बनते हैं। ऐसा पुराणों में बताया गया है कि जो लोग गाय के लिए प्यार कर बन बैठे हैं वह महाभाग्यवान होते हैं। ऐसे लोग घोर पाप से मुक्त होकर स्वर्ग का जाते हैं और बड़े ही धनवान कल में जन्म लेकर सुख भोगते हैं, और साथ ही साथ आराम कर रही गाय को कष्ट देकर कभी भी उठाना नहीं चाहिए। ज्ञान पर गए बैठी है, वहां से नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है कि बैठने की जगह को जो लोग नियमित साफ रखते हैं वह जन्म में किए गए जाने अनजाने में पापों मुक्ति हो जाती है और गोलोक में स्थान पाते हैं। गाय को डंडा मारकर उठना, पानी डालकर उठाने से मनुष्य पाप का भाग भाग बनता है और अगले जन्म में उसे दर्द शास्त्रों में बताएं गाय का दूध उसके बछड़े के लिए होता है। गाय के बछड़े से बचा हुआ दूध मनुष्य को ले जाइए। परंतु कुछ लोग एक बार गाय को दूध लेने बाद फिर से बछड़े के लिए बचा हुआ दूध भी धो लेते, ऐसा करना घोर पाप कहा जाता है। ऐसे दूध को धोने वाला और ग्रहण करने वाला दोनों ही आपके भागी बन जाते हैं दोस्तों। साथ ही साथ शास्त्रों में कहा गया है कि गोवंश मतलब गए और बैल के पीठ पर नहीं बैठना चाहिए, उनकी पीठ पर बैठने से महापाप लगता है। ऐसे लोगों को नरक की यात्रा भोगनी पड़ती है। एकमात्र देव के अंश के उत्पन्न, जिस पर स्वयं महादेव और महादेवी करती हैं, क्योंकि नंदी ने स्वयं अपनी इच्छा से महादेवी की सवारी बनना स्वीकार किया था। और साथ ही साथ शास्त्रों में गाय के दान को बहुत ही महत्व दिया गया है, परंतु ऐसी गाय का दान कभी नहीं करना चाहिए जो बूढ़े और बीमार हो। कठोपनिषद में नाचके की कथा भी पिता द्वारा बुद्धि गाय को दान करने पर आपत्ति जताई थी। अली और बछड़े सहित जो लोग गाय दान करते हैं वह महान पुण्य को हासिल करके स्वर्ग में स्थान पाते हैं दोस्तों। साथ ही साथ सूर्य चंद्र मंगल शुक्र की युक्ति राहु से हो तो पितृ दोष होता है। यह भी मानता है कि सूर्य का संबंध पिता से एवं मंगल का संबंध होने के कारण सराहु या केतु के साथ स्थित हो या दृष्टि संबंधी हो तथा मां मंगल की युति राहु या केतु से हो तो पितृ दोष होता है। इस दोष से जीवन संघर्ष में बन जाता है। यदि पितृ दोष हो तो गाय को प्रतिदिन या किसी भी अमावस्या के दिन रोटी पर अच्छा रखकर देना चाहिए, पर जो गोबर बना होता है वह बृहस्पति गुरु है, अतः जन्मपत्री में। यदि बृहस्पति अपनी नीच राशि मकर में हो या अशुभ शिवलिंग में जा रहे हो और सामने से गौ माता आई हुई दिखाई दे तो गौ माता को अपनी दाहिनी ओर जान दे। आपकी यात्रा जरूर ही सफल होगी और जिस घर में गाय होती है उसमें दोष स्वतः ही खत्म हो जाता है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि गाय को आप भी रोटी बनाएं, प्रतिदिन ताजी रोटी ही बनाएं। गाय को अगर आपने रोटी बनाई है तो कोशिश करें कि उसे रोटी को आप तुरंत ही गौ माता को दे दें। अगर आप उसे रोटी को रख देंगे और उसे रोटी को अगले दिन दे देंगे तो वह रोटी बासी मानी जाएगी। गाय को कभी भी बासी रोटी घर में नकारात्मक ऊर्जा वास करती है और जो भी काम आपके बनने वाले होंगे वह काम भी आप बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। आपके घर में हमेशा दर्द देवता का वास रहेगा और आप जिस भी काम उसे काम में आपको हमेशा असफलता ही हाथ लगेगी। इसीलिए कोशिश करें, गाय को रोजाना ताजी रोटी बनाकर खिलाएं और रोटी को बिल्कुल नरक बंसी रोटी गाय को ना दें और साथ ही साथ सदी गली चीज गाय माता को कभी ना खिलाएं। माता एवं बहनों, ऐसी गलती आप भूल कर भी ना करें क्योंकि उसे शास्त्रों में बहुत ही बुरा मान गया है एवं गाय के साथ बहुत ही गलत व्यवहार माना जाता है। यदि आप गाय को खिलाते हैं तो और आपके भाग्य बन जाते हैं। आप बिल्कुल साढ़ी गली चीज गाय को न खिलाएं और साथ ही साथ इस खास पूर्णिमा पर आते की 5 लोहियां बनाकर उनके ऊपर हल्दी लगाई इसके बाद को खिलाएं। हर एक लोहे को खिलाते समय गाय के सोंग पर आप हाथ पर पीठ पर हाथ पैर मस्तक पर हाथ तेरे माता गाय के अब चरणों का स्पर्श करें। दो दोस्तों, ऐसा करने से आपके समस्त काम बनने लगेंगे, जो दुख का समय चल रहा भी खत्म होगा। आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगी और एक बार नवरात्रि की नवमी तिथि के दिन पर आप गाय की परिक्रमा भी कर लें तो आपके समस्त कम होंगे। और नवमी पर साथ ही साथ आप गाय को जब भी रोटी दे तो आप अकेली रोटी ना दें बल्कि उसके साथ कुछ ना कुछ जरूर खिलाएं, जैसे कि रोटी के साथ अच्छा जरूर ही खिलाए, यानी कि रोटी के साथ आपको अच्छा रखकर जरूर खिलाना चाहिए या फिर आप उसे पर हल्दी रख लीजिए। थोड़ी थी दोस्तों, गाय को कभी भी सूखी रोटी ना खिलाए। सूखी का मतलब गाय को रोटी खिलाई, इस पर कुछ ना कुछ रखकर खिलाए,
हल्दी ले, अच्छा रख ले मिश्री की, या जो भी रख ले, मतलब खाली नहीं खिलानी है। कितना करने मात्र से आपके जीवन के सभी दुख दर्द समाप्त हो जाएंगे। दोस्तों, जुड़े कुछ महत्वपूर्ण होते हैं कि नवरात्रि की नवमी तिथि के दिन इन चीजों को गौ माता को जरूर खिलाएं, आपको लाभ ही लाभ होगा।